स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन सीना के बारे में, जॉन सीना के रिटर्न के बाद कौन सी टाइटल के लिए अपनी फ्यूड शुरू करेंगे, और हम बात करेंगे रॉ के बारे में कि कौन कौन सी चीजें हमें आने वाले रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं। रॉ मतलब जो 2 जुलाई को होगी, लेकिन हम वो देख सकते हैं सुबह 3 जुलाई को। और हम बात करेंगे ट्रिपल एच के रेसलमेन 35 के अपोनेंट को लेकर। तो इसके रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ के बारे में कि कौन कौन सी बातें हमें रॉ में देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें रॉ में देखने को मिल सकती है वो है एक टैग टीम मैच, और वो होगा रोमन रेंस सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर के बीच। जैसा कि हमने पिछली रॉ में देखा कि ड्रू मैकइंटायर ने इंटरफेरेंस किया सेथ रॉलिंस और डॉल्फ ज़िगलर के मैच के बीच, और सेथ रॉलिंस को अटैक करने लग गए, और उसी वक्त रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को बचाने आए। मतलब उस सेगमेंट में हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जीत देखने को मिली। इस रॉ में हमें पॉसिबल ये मैच देखने को मिल सकता है, और इस रॉ में हमें बेली और साशा बैंक्स के बीच एक फ्यूड देखने को मिल सकती है, और उस फ्यूड का रिजल्ट ये निकलेगा कि हमें एक्सट्रीम रूल्स में एक मैच देखने को मिलेगा जो होगा बेली और साशा बैंक्स के बीच। रूमर्स के हिसाब से इस मैच में हमें एक स्टिपुलेशन देखने को मिल सकती है, और वो स्टिपुलेशन कोई भी हो सकती है, जैसे एक्सट्रीम रूल्स मैच, फॉलकॉन एनीवेयर मैच, कोई भी, लेकिन इस मैच में हमें जरूर एक स्टिपुलेशन देखने को मिलेगी। तो इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंस और बॉबी लैशली के बारे में। तो इस रॉ में हमें रोमन रेंस और बॉबी लैशली की कोई बातचीत वाली लड़ाई देखने को मिल सकती है, जिससे एक्सट्रीम रूल्स में ये भी मैच कंफर्म हो जाएगी रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली, और विनर फेस करेगा ब्रॉक लेसनर को एट समरस्लैम। और इसके बाद हमें रॉ में एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जो होगा केविन ओवंस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच, और जैसे कि हम देख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन ओवंस और ब्रॉन स्ट्रोमन की फ्यूड आगे तक लेकर जाना चाहती है। उससे पहले हमें इस रॉ में ये मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे कि ब्रॉन स्ट्रोमन फेस करेंगे केविन ओवंस को एट एक्सट्रीम रूल्स। इस मैच में भी हमें एक स्टिपुलेशन देखने को मिल सकती है, और इस मैच के लिए हाईली फेवरेट स्टिपुलेशन निकल कर आ रही है, और वो है स्टील केज मैच। जी हाँ, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में स्टिपुलेशन स्टील केज मैच की रख सकती है। तो ये था रॉ का प्रीव्यू। तो अब हम बात करते हैं ट्रिपल एच के रेसलमेनिया 35 के अपोनेंट को लेकर। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिपल एच को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल फेस करेंगे रेसलमेनिया 35 में। जी हाँ, इसके पीछे एक रीजन भी निकल कर आता है। आपको पिछली साल की सर्वाइवल सीरीज याद होगी, जब ट्रिपल एच और कर्ट एंगल के बीच हमें मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी, और इस बीच ट्रिपल एच ने कर्ट एंगल को पेडिग्री भी डाली थी। मैं मानता हूँ कि हमें रेसलमेनिया में एक टैग टीम मैच देखने को मिल गया था, और वो था कर्ट एंगल रोंडा रोजी वर्सेस ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के बीच, लेकिन ये एक मिक्स टैग टीम मैच था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रेसलमेनिया 35 में 1-on-1 मैच, और ये मैच होगा कर्ट एंगल वर्सेस ट्रिपल एच। और तो और कर्ट एंगल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो अपलोड की है, और उस फोटो में है कि ट्रिपल एच का एक्शन फिगर दिखाया गया है, मतलब ट्रिपल एच का टॉय सा दिखाया गया है, और इस फोटो के पीछे हमें कर्ट एंगल भी देखने को मिल जाते हैं। और कर्ट एंगल ने इस फोटो की कैप्शन में डाला कि तो दरअसल वो सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे एक्शन फिगर ट्रिपल एच जैसे ही हैं, और फिर कर्ट एंगल लिखते हैं कि नहीं, मेरे ट्रिपल एच से ज्यादा बेहतर हैं, हैशटैग इट्स ट्रू। तो इससे हमें हिंट मिल जाता है कि इस मैच की स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी है, और पॉसिबली हमें ये मैच रेसलमेनिया 35 में देखने को मिले। तो अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में कि जॉन सीना रिटर्न के बाद कौन सी चैंपियनशिप के लिए अपनी फ्यूड शुरू करेंगे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चैंपियनशिप ना यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप होगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जी हाँ, मतलब जॉन सीना रिटर्न के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की रेस में आएंगे, और इसके पीछे एक रीजन भी है कि जॉन सीना जैसा इतना बड़ा लेजेंड अभी तक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बना। तो ग्रैंड स्लैम चैंपियन मतलब जिसने सभी चैंपियनशिप को हासिल किया हो, जैसे टैग टीम चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप, ये सब जॉन सीना ने हासिल की हुई है। लेकिन जो एक चीज है जो जॉन सीना ने हासिल नहीं की वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। हाँ, ये काफी शॉकिंग बात है कि जॉन सीना ने अपने पूरे करियर में कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना के रिटर्न के बाद उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की रेस में डालेगी, मतलब जिसके पास भी उस टाइम में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होगी उसके साथ मैच लड़ेंगे जॉन सीना। तो अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डॉल्फ ज़िगलर के पास है, तो इन शॉर्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ये जरूर चाहेगी सीना जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार ग्रैंड स्लैम चैंपियंस की लिस्ट में आ जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बताइए कि आप जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन देखना चाहते हैं या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करने से बेल आइकन को भी दबा दें। We'll be right back.